आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप मृत्यु प्रमाण पत्र यानी डेथ सर्टिफिकेट आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये वीडियो को देखने के बाद आप अच्छी तरीके से सीख जाएंगे कि किस तरीके से आप डेथ सर्टिफिकेट यानी मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। मृत्यु प्रमाण पत्र आपको जो है उस सिचुएशन में बहुत ही काम आ सकती है जब जो है आप बैंक में जाते हैं, वहाँ पर आप ही के जो नॉमिनी बनाया हुआ है और वो पर्सन जो है मर जाते हैं, डेथ कर जाते हैं, तो वहाँ पे जो है आपको मृत्यु प्रमाण पत्र यानी डेथ सर्टिफिकेट आपको दिखाना होता है, तभी जो है बैंक वाले आपको पैसे देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। जो पर्सन डेथ कर गए हैं, मर गए हैं, अगर उसका जो है LIC जो ओपन कराया हुआ है, तब जो है आप जो है मृत्यु प्रमाण पत्र वहाँ पर नहीं दिखाते हैं, तो वहाँ पर जो है आपका पैसा जो है नहीं मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कि मृत्यु प्रमाण पत्र जो है कितना इम्पोर्टेंट हो गया है अभी के टाइम में। आप जो है ये वीडियो देखने के बाद अच्छी तरीके से सीख जाएंगे कि कैसे मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है। सो गाइस, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। तो आज के वीडियो में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप घर बैठे आप मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप दोनों से आप जो है मृत्यु प्रमाण पत्र यानी डेथ सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आप जो है ब्लॉक में जाने की लंबा लंबा लाइन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब साइबर कैफे में भी आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने अभी जो पोर्टल लॉन्च कर दिया है उस पोर्टल से आप जो घर बैठे बहुत ही इजी तरीके से जो है आप मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आप जो दुकान वाले के पास जाइएगा तो वहाँ पर भैया आपको 100 से लेकर 150 रुपीज़ का चार्ज कर देगा, बस ये जो आपका ये छोटा सा फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि अभी के टाइम में हर इंसान के पास जो है मल्टीमीडिया सेट होता है, बड़ा बड़ा मोबाइल होता है, 10,000 के मोबाइल होता है, उससे आप बहुत ही ईजी तरीके से आप जो है ये वीडियो देखने के बाद आप मृत्यु प्रमाण पत्र यानी डेथ सर्टिफिकेट के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपको किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कैसे हम ऑनलाइन अप्लाई करें डेथ सर्टिफिकेट मृत्यु प्रमाण पत्र। तो आप बस ये वीडियो आपको देख लेना है शुरू से लास्ट तक और आप घर बैठे आप मृत्यु प्रमाण पत्र, अगर आपके पास दुकान है तो भी आप ये वीडियो देख के अच्छी तरीके से सीख जाएंगे कैसे जो है मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है। अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है तो उसको आप जो है मृत्यु प्रमाण पत्र दे के और उससे आप 100 से लेके 150 रुपीज़ आप कमा सकते हैं और आपको जो है अच्छी खासी अर्निंग भी हो जाएगा। सो गाइस, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए तभी आप सीख पाएंगे कि किस तरीके से मृत्यु प्रमाण पत्र यानी डेथ सर्टिफिकेट के लिए आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप कम्प्लीटली जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दूसरे में मैं एक लिंक दिया हूँ जिस लिंक पे जाके आप ये सेंट्रल गवर्नमेंट की आप साइट पे आ जाएंगे। ये वेबसाइट काफ़ी बिजी चलती है, इस तरह आप दूसरे टाइम में इसको आप यूज कर सकते हैं। ये टाइम जो है मैं अभी यूज कर रहा हूँ मॉर्निंग में, क्योंकि मॉर्निंग में कुछ ज़्यादा फास्ट काम करता है, बाकी 10 बजे के बाद आप जानते हैं कि ऑफिस वर्क का काम स्टार्ट हो जाता है, तो ये जो बहुत साइट जो है बहुत स्लो काम करता है। तो अगर आपको टाइम बचाना है तो आप मेरे जो लिंक दिया है उस पर क्लिक कीजिएगा, तो आप सिंपली इसी पोर्टल पर आप ओपन हो जाइएगा और यहाँ से आप इसको यहाँ से फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पहले अकाउंट क्रिएट करना होगा, जिसके लिए आप यहाँ पर जनरल पब्लिक साइनअप आपको क्लिक करना है। इसे क्लिक कीजिएगा आपको कुछ इस तरह से ये ओपन होकर आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर एक यूजर नेम डालनी पड़ेगी, यहाँ पर एक ईमेल आईडी आपको डालना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो जिसका डेथ हुआ है उसका जो डेट डालना पड़ेगा यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ से आपको एक स्टेट चूज कर लेना है जो भी स्टेट से है। इसके बाद यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है कि इसका डिस्ट्रिक्ट कहाँ है। इसके बाद यहाँ पर इसको सब डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे इसके सब डिस्ट्रिक्ट कहाँ है। इसके बाद यहाँ सिंपली अब इसको यहाँ पे विलेज टाउन कस्बा जो भी है इसको यहाँ से आपको चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि ग्राम पंचायत का यूनिट जो आप ऑटोमेटिक ये अपलोड हो चुका है। इसके बाद सिंपली आपको ये कैप्चा इसमें डालकर रजिस्टर को ओके कर देना है। ये देखिए आपका अकाउंट जो है एक्टिवेट हो गया है। इसको आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, अब जो आपका अकाउंट जो रजिस्टर हो गया है इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको सिंपली अपने जीमेल आईडी पे जाना होगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको एक ईमेल मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे आपको क्लिक करते ही यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको लॉगिन आईडी दे दिया गया है यहाँ पे आपका।
यहाँ से आप इसको जो लॉगिन आ रही है यहाँ से आप इसको कॉपी कर लीजिए और यहाँ क्लिक हियर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक यूजर आईडी आपको डाल देंगे जो वहाँ पर ईमेल में आया हुआ है। तो यहाँ से सिंपली इसको कॉपी करके यहाँ पे सिंपली इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद इसको क्या करना वहाँ डालना पड़ेगा। कॉपी करने के बाद यहाँ इसको ला के पेस्ट यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद यहाँ आपको एक स्ट्रॉन्ग और मजबूत पासवर्ड बना लेना है, जो भी आपको पासवर्ड कोई हैक नहीं कर सके। इसके बाद पासवर्ड वहाँ कंफर्म कर लेना है दोबारा से डाल के। इसके बाद पासवर्ड को बनाना कैसे, जैसे मेरा नाम है इंजीनियर राजा, तो पहले का शुरू का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, एक स्पेशल करेक्टर और एक कोई अंक होना चाहिए। तो इसी तरह आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ बना लेना है। इसके बाद आपको सिंपली एक कैप्चा यहाँ पर डालना है, कैप्चा डाल के यहाँ कर देना है सबमिट। अब आपका जो पासवर्ड है वो पासवर्ड को यहाँ पे डालना है। इसके बाद जो पासवर्ड यूजर आईडी आपको यहाँ डालना है, इसके बाद जो पासवर्ड आप क्रिएट किए बनाए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड वो भी आपको यहाँ डालना है। ये कैप्चा यहाँ पे डालना है, अगर कैप्चा समझ में नहीं आया तो यहाँ से रिफ्रेश कर लेंगे कैप्चा को। इसके बाद कैप्चा यहाँ डालना है, इसके बाद कर देना है सिंपली लॉगिन। तो लॉगिन करते ही आपको कुछ इस तरह से ये ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं डेथ, डेथ पर जाने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं ऐड डेथ रजिस्ट्रेशन, आपको इस पर ओके कर देना है। जैसे इस पर ओके कीजिएगा आप कुछ इस तरह से ये पोर्टल आपको ये ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ आपको ये फॉर्म को बहुत ही सावधानी और आसानी से तरीका से फिलअप करना है। यहाँ पर देख रहे हैं प्राइमरी लैंग्वेज, तो आपको ये भी जो भी लैंग्वेज बना रखना है इसको यहाँ से चूज कर लेना है। और सेकेंडरी लैंग्वेज में यहाँ से आपको चूज कर लेना है। चूज करने के बाद यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको ये फॉर्म आपको फिलअप करने का आ जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि मृतक की जो सूचना है, जो मृतक जो कब उसका डेथ हुआ था उसका, तो मृतक की डेथ यहाँ से आपको डाल देना है इसकी डेथ कब हुआ था। इसके बाद यहाँ से इसको लिंग चूज कर देना है, पुरुष है, महिला या ट्रांजेंडर कोई और है। इसका इसके यहाँ उम्र यहाँ से आपको चूज कर लेना है कि ईयरली मंथली डे और आवर्स यहाँ पर आपको चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर फर्स्ट नेम मृतक के डालना है, मृतक की मिडिल नेम और मृतक की लास्ट नेम। इसके बाद उसका जो EIN नंबर है वो डालना है, इसके बाद आधार नंबर इसमें आपको सिंपली डाल देना है। यहाँ पर देख रहे हैं मृतक के स्थान कहाँ पर इसका मृतक हुआ था, तो इस पर यहाँ पर चूज कर लेना है कि घर पर हुआ था कहीं और हुआ था। और जैसे घर चूज करेंगे तो यहाँ पर आपको घर का एड्रेस भी डालना पड़ेगा, जैसे बिल्डिंग नंबर, नेम, इसके बाद हाउस नंबर, स्ट्रेट, लेन, एरिया, कस्बे का नाम डालना है या पोस्ट ऑफिस का नाम डालना है, यहाँ पे स्टेट यहाँ डालना है और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे। इसके बाद देख रहे हैं कि सब डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे और टाउन विलेज आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको डालना है पिन नंबर। इसके बाद मृतक की पत्नी पति की कुछ सूचना है अगर है तो इसका यहाँ फर्स्ट नेम, मिडिल और लास्ट नेम, आधार नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डालना है, एज यहाँ पर डालना है, कॉन्टैक्ट नंबर यह है तो यहाँ पर डालना है। इसके बाद देख रहे हैं कि मृतक की पिता की सूचना अगर है तो इसको मृतक की पिता के फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, आधार नंबर इसको यहाँ डाल देना है, ईमेल आईडी आपको यहाँ डालना पड़ेगा और मोबाइल नंबर आपको यहाँ से डाल देना है। माता की सूचना अगर मृतक की माता है तो उसकी यहाँ पर आपको देना पड़ेगा फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, इसका आधार नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद मृतक की समय पता, इसको मृतक के कहाँ पर मृत्यु हुआ था, इंडिया में हुआ था या आउट ऑफ इंडिया हुआ था, तो आउट ऑफ इंडिया हुआ था तो आपको यहाँ पर टाइपिंग करना पड़ेगा क्या रीजन और कहाँ हुआ था उसका एड्रेस। इसके बाद इंडिया में हुआ था तो यहाँ पर डॉट पर क्लिक करना पड़ेगा और आपको पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर भर देना, जैसे बिल्डिंग नंबर और नेम डालना है, हाउस नंबर, स्टेट, एरिया, कस्बे का नाम डालना है, यहाँ लोकेलिटी डालना है, पोस्ट ऑफिस, स्टेट डालना है यहाँ पे और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे डालना है। इसके बाद यहाँ पे देखना है सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज, टाउन, कस्बा और यहाँ पे पिन नंबर आपको डाल देना है। इसके बाद देख लीजिए कि मृतक की स्थायी पता कहाँ, इंडिया में है तो इसको पूरा स्थायी पता डालना है, अगर या आउट ऑफ इंडिया का है तो यहाँ पर आपको आउट ऑफ इंडिया का एड्रेस टाइप करना पड़ेगा। अब इंडिया में है तो इंडिया में यहाँ पर पूरा एड्रेस को आपको फिलअप करना पड़ेगा, जैसे बिल्डिंग नंबर, हाउस नंबर, स्टेट, लेन, कस्बा या लोकेलिटी, पोस्ट ऑफिस का नाम, स्टेट डालना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट डालना पड़ेगा, सब डिस्ट्रिक्ट। इसे कुछ कुछ यहाँ पर देख रहे हैं वो आपके आधार कार्ड से ले लिया गया है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद देख रहे हैं कि यहाँ पर पिन नंबर आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। अगर मृतक की जो पता है जो ऊपर वाले से मैच करता है तो आप सिंपली जो देख रहे हैं यहाँ पे इसको टिक मार्क कर देंगे तो ये पूरे फिलअप हो जाएंगे। अगर ऊपर का पता अगर मैच नहीं कर रहा है तो सिंपली यहाँ पे अनमार्क हम यहाँ पे रहने देंगे और पूरा पता यहाँ पे हमको डाल देना है। अगर मृतक सूचनादाता अगर आप मृतक के कोई माता पिता या कोई फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं तो इसमें हम टिक करेंगे तो उसका पूरा एड्रेस यहाँ फिलअप हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ टिक करता हूँ, देखिए पूरा एड्रेस फिलअप हो चुका है। अगर कोई और जैसे दुकान वगैरह पर ये फॉर्म भरवाता है शॉप वगैरह पर, तो वो अपना नाम यहाँ डालेंगे, पिन नंबर, एड्रेस और यहाँ इन्फॉर्मेशन डालेंगे, इसके बाद डिक्लेरेशन देंगे यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पर सेव कर देंगे। इसके बाद आपको ये पेज आ जाएगा। इसके बाद मरने वाले के यहाँ पर स्टेट
इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, इसके बाद जो सब डिवीज़न ऑटोमेटिक आधार कार्ड से ले लिया है। इसके बाद यहाँ देख रहे हैं टाउन से है, विलेज से है, जो भी है, तो यहाँ पे इसको आपको टिक कर देना है। और यहाँ पे मरने वाले के रिलीजन चूज करेंगे, वो क्या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्या था, तो यहाँ से इसको चूज कर लेंगे। और इसके बाद ओके पिसन आपको यहाँ पे चूज करने वाला है कि मरने वाला काम क्या करता, तो वो यहाँ से आपको चूज कर लेना है। अब यहाँ पर आपको चूज क्या करना पड़ रहा है कि मरने से पहले कोई मेडिकल अटेंशन थी, यानी किसी डॉक्टर को दिखाया था या नहीं। अगर नहीं दिखाया था तो नो मेडिकल ट्रीटमेंट, अगर दिखाया था तो आपको इस पर ओके कर देना है। और यहाँ से आप चूज कर सकते हैं क्या इसको मेडिकली सर्टिफाइड किया गया है, यस और नो, तो यहाँ हम नो चूज कर लेते हैं। और यहाँ पर आप मौत का असली रीजन चूज करेंगे कि ये क्यों मरा है और कैसे मरा है। तो यहाँ पर बहुत सारे रीजन है, जो भी आपको रीजन है आपके जो मर गया है उसका, तो वो यहाँ से आप उसको डाल देंगे। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करके नीचे आने के बाद यहाँ पर बताया जा रहा है, अगर वो स्मोक करते थे, अगर वो स्मोक करते थे तो कितने टाइमों से करते थे, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। अगर वो तंबाकू खाते थे, अगर वो तंबाकू खाते थे तो कितने साल से खाते थे, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। और यहाँ बताया जा रहा है कि पान मसाला, कोई सुपारी खाते थे तो कितने सालों से खाते थे, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। अगर वो शराब पीते थे तो कितने सालों से पीते थे, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे आपको एक फाइल अपलोड करनी पड़ेगी, जिसका मरने वाले के एड्रेस प्रूफ आप अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको और कोई रिमार्क देना तो वो आप यहाँ पर देंगे और इसके बाद करेंगे सेव। इसके बाद यहाँ पे आपका पूरा फॉर्म आ जाएगा, आप जितने भी फॉर्म को फिलअप किए हैं वो पूरा यहाँ पे आपका डिटेल यहाँ पे आ गया है। आप इसको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे आप इसको रीड कर सकते हैं। अगर इसमें कुछ गलत हो गया, कोई मिस्टेक है, तो यहाँ पे एडिट पे जाके इसको आप एडिट कर सकते हैं। अगर लगता है कि आपको सब कुछ सही है, कुछ भी गलत नहीं है, तो आप यहाँ पर जाके सबमिट करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से ही शो होगा, लेकिन आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। इसका देखिए, ये फॉर्म आपका सिंपली सबमिट हो चुका है। और यहाँ पर कुछ आपको यहाँ पर गाइडलाइन भी यहाँ पर दे दिया गया है। इसके बाद आपको CRS की वेबसाइट पर जाना है। मैं यहाँ पर टाइपिंग कर लेता हूँ CRS, और यहाँ पर हम अपना यूजर ID पासवर्ड डाल के और कैप्चा डाल के हमको यहाँ पर सिंपली लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर डेट पर जाएंगे, यहाँ देखिएगा प्रिंट रिपोर्टिंग का ऑप्शन है, यहाँ पर हम इसको ओके करेंगे। तो यहाँ से आप अपने फॉर्म को प्रिंट कर लेंगे, यहाँ से आपका ये फॉर्म आ जाएगा। ये दिख रहे हैं कि आपका ये दो पेजेस का फॉर्म है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपका पूरा डिटेल भी आपको यहाँ पर दे दिया गया, और दो पेज का फॉर्म है। और नीचे जो है यहाँ पर आपका रजिस्ट्रार का पूरा एड्रेस यहाँ पर आपको दिया हुआ है, जहाँ पर जाके आपको ये फॉर्म सबमिट करना है। तो आप यहाँ डाउनलोड बटन पर जाके आप इसको सिंपली डाउनलोड भी कर सकते हैं, और प्रिंट पर क्लिक करके आप इसको डायरेक्ट प्रिंट भी कर सकते हैं। चलिए मैं इस फॉर्म को सिंपली यहां से डाउनलोड कर लेता हूं, और मैं अपना पाथ चूज कर लेता हूं, सिंपली मेरा पाथ है। इसके बाद सिंपली मैं इसको ओके करते हैं, ये मेरा देखिए जो फॉर्म यहां पे मेरा डाउनलोड हो चुका है। यहां पर देखिए मेरा ये फॉर्म आ गया है। आप इस फॉर्म को अपने शॉप से जा कहीं भी आपके अगल बगल में कोई मॉल वॉल है, या वहाँ से जाके आप इस फॉर्म को सिंपली प्रिंट निकाल सकते हैं। इसके बाद आपको इसमें आपको मरने वाले के ID प्रूफ लगेंगे, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोई राशन कार्ड है, या कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल है, तो वो इसके साथ आपको अटैच करना पड़ेगा। इसके बाद आपके इसके साथ दो लोगों का डिक्लेरेशन लेना है, जो आपको रिलेटिव हो सकता है, तो वो उसका भी डिक्लेरेशन लेके आप इस फॉर्म के साथ लगा सकते हैं, या इसका कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है। मैं डिक्लेरेशन फॉर्म भी दे दिया हूँ, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से इस फॉर्म का आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद वो दोनों डिक्लेरेशन फॉर्म और ये फॉर्म आपको ले आके अपने जो इस एड्रेस पर आपको जाके फैमिली इसको जाके सबमिट कर देना है। इसके बाद इस फॉर्म का स्टेटस चेक करने के लिए आपको एक साइट पर आना पड़ेगा, यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ एप्लीकेशन अंडर सबमिशन, आपको इसको क्लिक करना, जैसे क्लिक कीजिएगा आपको इस तरह से एक पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ देख रहे हैं रिपोर्टिंग, जो डेट ऑफ रिपोर्टिंग है उसका आपको यहाँ पर टाइम देना है, यहाँ पर जेंडर चूज करना है, इसका डेट जो हुआ था उसका डेट देना है, इसके बाद यहाँ मदर नेम, इसके बाद यहाँ पर नेम और डिलीटेड जो है वो डालना है, इसके बाद यहाँ फादर नेम डालना है, इसके बाद यहाँ जो देख रहे हैं जो ईयर था हम डाले हुए थे वो आ गया है, इसके बाद यहाँ फाइनली आपको सबमिट कर देना है। तो ये आप यहाँ से इसका स्टेटस भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आप फॉर्म को रिजेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ देखिए रिजेक्ट का ऑप्शन यहाँ है, तो यहाँ से जाके फॉर्म को आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद जो एड्रेस मैं दिखाया था, ये एड्रेस वहाँ से आप जो रजिस्टर है उसके यहाँ से आपका ये डेथ सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और ये आपको सर्टिफिकेट 21 दिन के अंदर अंदर में आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाता है। और आपको अप्लाई करना है, जैसे कोई डेथ किया तो आपको 21 दिन के अंदर अंदर में ही आकर इसको अप्लाई कर देना है। अगर 21 दिन के अंदर अंदर में नहीं अप्लाई करते हैं तो आपको ऑफलाइन ही आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना पड़ेगा,
जिसके लिए आपको फॉर्म 2 फिलअप करना पड़ेगा और वो आपको शॉप वगैरह से मिल जाएगा, या इसका लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर फॉर्म 2 आप बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो डिक्लेरेशन फॉर्म है वो भी मेरे लिंक में दे दिया हूँ, वहाँ से जाके आप इस फॉर्म को जमा आप डाउनलोड करके फॉर्म फिलअप करके आप सिंपली डिक्लेरेशन फॉर्म लगा सकते हैं। और पूरे जो एड्रेस है और ये दोनों पार्ट पेज का जो प्रूफ है वो प्रूफ आप ले आके इस जो रजिस्ट्रार का ऑफिस है या पूरा एड्रेस दिया हुआ वहाँ पर जाकर आप सबमिट कर देंगे। इसी तरह से बहुत आसानी और सिंपल तरीके से आप डेथ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं अपने घर बैठे। अगर आप डिक्लेरेशन फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, जिसका यहाँ पर मैं दे दिया हूँ। यहाँ डिक्लेरेशन डेट फॉर्म के इसके लिए टाइपिंग कीजिएगा, आप देखिएगा डिक्लेरेशन फॉर्म आ गया है, यहाँ से आप बहुत ही आसानी से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इसी तरह से आप यहाँ पर टाइपिंग कर दीजिएगा डिक्लेरेशन फॉर्म 2 तो ये आ जाएगा, यहाँ से आप डिक्लेरेशन फॉर्म को बहुत ही आसानी से डाउनलोड करके आप उसके साथ अटैच करके आप जाकर रजिस्ट्रार में जमा कर सकते हैं। सो गाइस, आपने इस वीडियो में ये सीख ही लिया होगा किस तरीके से डेथ सर्टिफिकेट यानी मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं बिना कहीं भाग दौड़ किए, बिना किसी को पैसा दिए, बिना इधर उधर जाए, बिना हरासमेंट किए। आप बहुत ही इजी तरीका से घर बैठे आप जो है मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आप जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में जाके कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।